हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने कहा ना, मैं किसी से डरता वरता नहीं, और फिर क्यों झुकूं मैं, क्यों झुकूं? हाँ हाँ, अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई परवाह नहीं, वो एक को रिश्वत दे या 10 को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दिल्ली बात हो चुकी है और कल से मेरा काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि सूरज से उलझने का रिजल्ट क्या होता है। अरे यार, काफी खून बह गया उसके गले में। ड्राइवर को काफी चोट लगी हुई है। अरे ये भी जिंदा है, इसको बाहर निकालो, जल्दी करो। निकालो, मेरा हाथ लगाओ। मत करना, डैडी को फोन करो। हाँ निकालो। अरे कोई पानी लेके आओ यार, एम्बुलेंस बुलाओ। इसकी सांस नहीं चल रही है यार। अरे एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। गोली लगी है यार इसको तो, इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है ये। हेलो सीआईडी सर, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। अरे उनको भी निकालो, कोई निकालो, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे जल्दी करो, फोन कर दिया। क्या है? कर रहे हो भाई साहब? हाँ क्या हुआ यहाँ पे? अरे मर्डर हुआ है, किसी ने गोली मार दी है। ऐसे कैसे, दिन दहाड़े गोली मार दी? अरे कहा बताएं, कलयुग का जमाना है, कोई भी किसी को कहीं भी ठोक के चला जाता है। अरे आपकी गाड़ी तो बिल्कुल एक्सीडेंट वाली गाड़ी की जैसी है। ए ड्राइवर, चलो चलो गाड़ी चलाओ। यार तुमने किसी को गोली चलाते हुए देखा क्या? हम सब तो यही थे। नहीं यार, मैं वहाँ नीरा पी रहा था यार, अचानक से एक्सीडेंट की आवाज आई मुझे और मैं भागने आ गया। मुझे, यार मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं वहाँ से आया। अरे कातिल का पता चल जाएगा, पुलिस ने पास में सीसीटीवी कैमरा लगाया है, जो भी तेज गाड़ी चलाता है उसको पकड़ने के लिए तो उसमें कुछ न कुछ दिख ही जाएगा अपने को। बॉस से मिलना है मुझे। जाइए। क्या काम है? बॉस से मिलना है, कहिए परवीन ड्राइवर मिलने के लिए आया है। रुको यहीं। बॉस, परवीन ड्राइवर आया है, आपसे मिलना चाहता है। नमस्ते बॉस। बॉस मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैं गाड़ी को उसी जगह पर लेकर चला गया था। अब आप मेहरबानी करके मेरे बीवी और बच्चे को रिहा कर दीजिए। बॉस मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, किसी को नजर नहीं आऊंगा, बस मैं आपको जुबान देता हूं। ठीक बॉस। चलो तुम्हारा हिसाब। और सुनो, नाकाबंदी होने से पहले ये शहर से बाहर चले जाओ, किसी को भी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? जाओ। फुटेज तो सिर्फ कार के क्रैश का ही है। हाँ सर, बाकी की फुटेज तो है नहीं सर। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो पता चलेगा सचिन। इसको फिर से रिवाइंड करो। ये सूरज को चलती हुई गाड़ी में गोली लगी है, मतलब खूनी किसी गाड़ी में होगा या फिर मोटरसाइकिल पे। हाँ सर, सर एक्सीडेंट के ठीक बाद 3 बाइक्स गुजरी हैं यहाँ से। हाँ मतलब खूनी इन्हीं में से कोई होगा। सर
सर, ड्राइवर प्रवीण अपने घर पे मिला नहीं, आसपास पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर लगता है शहर छोड़ के भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? उसके गांव का एड्रेस निकालो और साथ में इन तीन बाइक वालों का भी एड्रेस निकालो। पता करो कौन लोग हैं। कारिका जी। गुड मॉर्निंग अभिजीत। यार गलत बात है अभिजीत तुम्हारी। कब तक ये नाइंसाफी चलेगी यार? नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी सर? नहीं यार, कारिका के अलावा और भी लोग हैं दुनिया में जिनकी मॉर्निंग गुड हो सकती है। हम भी हैं यार, कभी हमसे भी गुड मॉर्निंग कर लिया करो। सर आपकी मॉर्निंग तो हमेशा गुड रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। अब हो गई गुड मॉर्निंग। हाँ अब गुड न्यूज भी हो जाए। कुछ पता चला गोली का? कहां से चली है, किसने चलाई है? चलो यार तुम्हारी मॉर्निंग मैं गुड कर देता हूँ। पता चल गया कि गोली कहां से चली, कैसे चला। अरे अरे सर 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 नाराज मत होइए। छोटे से सवाल पूछा, बाइक पे बैठ के निकल लिए। कहां जा रहे हैं? चांद पे नहीं जा रहा हूँ। इस बाइक पे बैठ के तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मोटरसाइकिल पे जो बैठा था उसने गोली कैसे चलाई। अच्छा कैसे कैसे? देखो इस मोटरसाइकिल पे जो बैठा था उसने पहली गोली चलाई यहाँ से। वो गोली इस दरवाजे के कांच को तोड़ती हुई, उस दरवाजे के कांच में छेद करती हुई बाहर निकल गई। दूसरी गोली से? दूसरी गोली भी उसने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे ही चलाई। और अभिजीत वो गोली कार के इस दरवाजे पे यहां जाकर के लग गई है। देखो। और तीसरी? तीसरी गोली भी अभिजीत उस आदमी ने मोटरसाइकिल पे ही बैठे बैठे चलाई और वो गोली सूरज जो यहां बैठा हुआ था उसकी गर्दन को चीरती हुई कार की सीट में यहां जाकर के फंस गई। इसका मतलब हमें इस गाड़ी में से दो गोलियां निकालनी, एक इस सीट में से और दूसरी उस दरवाजे में से। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा। कितनी इंटेलिजेंट बातें करती है। वैभव मैं उस दरवाजे में से गोली निकालती हूँ, तुम इस सीट में से निकालो। हाँ निकालो निकालो निकालो। डालो। इसमें नहीं है तो एक मिनट। छेद है यहां से, ये छेद बना है। अब एक काम करो, डिक्की खोल के चेक करो, गोली डिक्की में होगी। बुलेट मिल गई। गाड़ी यहाँ टकराई है, इसका मतलब गाड़ी के टकराने से पहले गोली चली और ड्राइवर अपना बैलेंस खो बैठा। हाँ सर, और ये देखिए टायर्स के निशान यहाँ से शुरू होते हैं, यानी कि ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ पर ब्रेक लगाई। इसका मतलब उस वक्त गाड़ी यहाँ पे थी जब पहली गोली चली। पहली गोली वहां से गाड़ी के राइट विंडो को छेदती हुई लेफ्ट विंडो से बाहर निकली। और सर दूसरी गोली उसी टूटी हुई खिड़की से आई और दरवाजे में लगी। हाँ, और तीसरी बुलेट सीधा आई और इस आदमी की गर्दन में लगी और गर्दन को छेदती हुई सीधा डिक्की में आके गिरी जो गोली हमें मिली। हाँ सर, हमें दूसरी और तीसरी गोलियां मिल गई,
लेकिन पहली गोली जिससे वो खिड़की टूटी थी वो नहीं मिली। डॉक्टर साहब उनके कह रहे थे कि गोली तकरीबन 3 से 5 फीट की ऊंचाई से चली लगभग। ये एक मिनट आप जरा मेजर टेप देना। लगभग इतनी ऊंचाई से नजर बसी तो देख डॉक्टर इस सीधे को पकड़ो। चलो उस तरफ जाके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर यहां तक आ रहा है। सर ये देखो गोली का नशा। सही कह रही हो श्रेता। एक काम करते हैं इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं। गोली यहीं कहीं होगी। सर ये देखो ये रही गोली। ये तीसरी गोली भी हमें मिल गई। अब खूनी को पकड़ना आसान हो जाएगा। सर तीनों गोलियां मिल गई। वेरी गुड। सालों के साहब का कहना है कि जैसे ही गन मिल जाती है गोलियों को मैच करने का काम शुरू कर देंगे। गन तो तब मिलेगी जब उन तीनों बाइक वालों के बारे में पता चलेगा। निखिल तीनों बाइकर्स की पहचान हो गई? सर पहली बाइक का नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दो बाइक की सर्चिंग चालू है सर। वो जिसका चेहरा दिखाई दिया था थोड़ा सा उसके बारे में क्या पता चला? सर उसके चेहरे का स्कैन हो गया है। करण अपने डेटा से मैच करने गया है। सर सर थर्ड बाइक पर पीछे बैठे हुए आदमी की पहचान हो गई। ये देखिए उसका रिकॉर्ड। सड़क छाप चोर है। चेन स्नैचिंग करता है। मौसम तो बहुत ही अच्छा था। कॉन्कनी फूड नेचर तो ऐसे कि आने का मन ही ना करे। I'm sure बड़े मजे किए होंगे। वो देख मिल गया अपना नया बकरा। बकरा नहीं बकरी। ये देखिए हमारी मस्ती की फोटो। यार कितनी क्यूट लग रही है तू इसमें। और ये कौन है? तो ये है तेरा धंधा गोली भाली लड़कियों को लूटता है। क्यों मारा सूरज को? देखो सर पॉकेट मारी मान सकते हैं, चेन स्नैचिंग मान सकते हैं, लेकिन मर्डर ये अपना धंधा नहीं है सर। तू वहां पे था ना जब कार क्रैश हुई? वहां पे था ना तू? हाँ थे ना सर, लेकिन कार हमारे बाजू से निकली थी और आगे जाके टकरा गई। माँ का सब सर पे सच कह रहा हूँ, इस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। ड्रामा बंद करिए और इस फोटो को ध्यान से देख। पहचानता है इसे? नहीं सर मालूम नहीं कौन है ये। नहीं मालूम इसे? पहचानता है? हाँ साहब मैं इसको जानता हूँ। ये सुपारी किलर है सर, पैसा लेकर लोगों का मर्डर करता है। इसका नाम? नाम मालूम नहीं लेकिन मैं इसके दोस्त को जानता हूँ। अशोक है उसका नाम। कहाँ मिलेगा ये अशोक? सर सब हो रहा है। अरे भाई साहब आपने काली मोटरसाइकिल वाले दो आदमियों को देखा है क्या? काली बाइक तो बहुत है ढूंढ लो। एक्चुअली वो दोनों तो थोड़े खास हैं। बंदूक है उनके पास और चलती बाइक से चलती गाड़ी में फायर करते हैं। काली गाड़ी में
वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। पकड़ो ने जल्दी में हो गया, भाग भाग के थक जाओगे, सवारी ले लो। मुझे क्या लगा सीआईडी से भाग पाएगा? कौन है ये लोग? पहले तो कभी देखा नहीं ये लोग को। किसी के घर पे आए क्या? चल जाके देखते। हाँ चलते हैं देखते हैं। दरवाजा खोलो। क्या हम लोग सीआईडी से? कौन सी सीआईडी? सीआईडी सीआईडी वाले क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ? देखो हम बताएं कि तुम घर के अंदर हो। दरवाजा खोलो। ये ऐसे नहीं मानेंगे फ्रेडी जी, तोड़ दीजिए दरवाजा। मैडम हमें हमारा काम करने दो प्लीज। देखिए ऐसे तुम सामान को हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ सामान है घर। मैंने तेरे से कहा था मेरे को फालतू लफड़ा घर में मांगता नहीं। अरे मैडम रुक जाइए, कपड़े हैं ये घर के। तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों के कपड़े रखे छोड़िए, ऐसे तहस नहीं कर सकते तुम। देखिए मैं कह रही हूँ हाथ हटा। देखो मैडम तुम रुक जाओ, ये किचन में क्या करने आई हो? देखो हाथ हटाओ, फ्रिज छोड़ो, मेरा क्या है क्या चोरी हो? देखो पाई पाई जमा करके मेरे पति की कमाई है सब। छोड़ो मैंने कहा छोड़ दो उसे, मैंने कहा हटो यहाँ से। ये दाल चावल आटा है, अब क्या तुम इसे पकाओगी? दाल है मैडम, छोड़ो डब्बा। मैंने कहा हटो यहाँ से। अरे देवा क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे आटे का डब्बा है, वो आटा है उसमें, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? छोड़ो मैं कहती हूँ छोड़। सर ये गन ऊपर छुपा के रखी थी। हाँ भाई तुम्हें तो गन के बारे में कुछ पता नहीं था, अब ये गन कहाँ से निकली? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पंकज ये गन डॉक्टर सालोंग के पास भेजो चेकिंग के लिए। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, छोड़िए। देखिए सर इस तरीके से नहीं ले जा सकते आप। गुड, अब हमारे पास एक गन है, वो तीन बुलेट हैं जो हमें क्राइम सीन पर से मिली थी। अब
हम इस गन से फायर करके बुलेट मैच करके देखते हैं। तारिका, वो जो बुलेट हमें क्राइम सीन पे मिली थी वो स्कैन कर ली? हाँ सर, वो सारे स्कैन हो चुके हैं। गुड। वैभव, ये बुलेट निकाल के माइक्रोस्कोप में रखो। हो गया सर, अब दूसरी बुलेट फायर करके देखते हैं। सर, ये वाला भी मैच हो गया। ग्रेट। तारिका, एक काम करो, ऐसे ही तुम तीसरी बुलेट भी मैच करके देखो। तब तक मैं एसीपी को अच्छी खबर सुना के आता हूँ, उसे भी पता लगे हम कुछ काम करते हैं। ओके सर। बोल। सूरज का मर्डर क्यों किया तुम लोगों ने? सर, सर, मैंने सूरज का मर्डर नहीं किया सर, कसम से सर, मैंने मर्डर नहीं किया सर। नहीं किया? ये डॉलर्स, ये पैसे, ये क्या हवा में आए? हाँ सर, ये सारे रुपए पैसे सर दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं सर। अबे झूठ तो ढंग का बोल, साफ साफ बता, सूरज के मर्डर के लिए पैसे किसने दिए थे? हाँ सर, सब कुछ इसी ने करवाया सर, लेकिन ये सब कुछ जानता है सर। सर सर, मेरे मेरे सर में सर दर्द हो रहा है सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा, इसका इलाज है हमारे पास। हाँ, एक डोज दूंगा, याददाश्त ऐसे ऐसे वापस आ जाएगा। हाँ, दो एक खुराक तुझे अभी चाहिए? दया, अच्छी खबर है भाई, दो बुलेट्स मैच हो गई। सुना, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तो सबूत भी तुम्हारे खिलाफ हैं और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। अब बता, कुछ याद आया या नहीं? हाँ सर, याद आ रहा सर। क्या बोल? किसी ने सर 2 लाख रुपए दिए थे उसके गेम बजाने के लिए सर। 2 लाख रुपए, एक जान की कीमत इतनी सस्ती है किसी की जान? पैसे किसने दिए थे तुम्हें? नाम क्या उसका? प्रवीण, जिसका मर्डर हुआ सर, उसके ड्राइवर। इसीलिए वो भाग गया। सर, सर एक नई बात सामने आई है। क्या? तीसरी बुलेट मैच नहीं हुई। क्या बात करी? हाँ, सूरज का खून इनकी गन से नहीं हुआ। इनकी गन से गोली नहीं चली मतलब? सर, इसका मतलब एक दूसरी गन होनी चाहिए। दूसरी गन कहाँ? सर, दूसरी गन कहाँ है? सर, सर हमारे पास कोई गन नहीं है सर, हमारे पास एक ही गन थी सर। तो दूसरी गन इनके पास नहीं है तो फिर वो बुलेट चली किस गन से? गोली आई कहाँ से और चलाई किसने? क्या जवाब है तुम्हारे पास? हैं? वो जवाब है कि किया क्या तुमने, सीधे डिक्की खोली, गोली उठाई और चल दिए बस, बिना ये जाने कि गोली कहां से आई है, कितनी वेलोसिटी से, कितनी गति से आई है, कहां आकर के टकराई है, कुछ पता नहीं किया। अरे जब तक गोली का एंगल नहीं पता करोगे कैसे पता चलेगा गोली कितनी ऊंचाई से चली है या नीचाई से चली है? क्या किया तुमने? सॉरी सर। क्या सॉरी यार वैभव, सालुके की लैब में आज तक कोई सॉरी लफ्ज नहीं हुआ है, समझे? कोई गलती नहीं आज तक। तुम्हारी वजह से मुझे वहां एसीपी साहब के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बना तुम्हें। और वो अभिजीत सर अभी आएंगे, कपड़े उतार देंगे मेरे, देख लेना तुम, छोड़ेंगे नहीं मुझे वो। अरे डॉक्टर साहब, सुना आज फॉरेंसिक में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखा, नाम लिया और प्रकट हो गए, देव पुरुष है ये। अरे सारुके साहब, आप मुझे देख के भड़क क्यों जाते हैं? मैंने क्या लाल कपड़े पहने? अरे इसमें मेरा क्या कसूर है सर? कसूर है अगर तो मेरा है कसूर भैया, सब मेरा है, मान ली गलती, मान ली, हो गई गलती, हो गई। नहीं नहीं, गलती आपकी नहीं है सर, गलती तो वैभव जी की है।
हाँ तो ये वैभव भी तो मेरी ही गलती है भाई, इस वैभव को मैं ही तो लाया ना इस लैब में। अब वो तो है सर। अब मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ यार प्लीज। तो अभी तक क्या कर रहे थे तारिका जी, आप मदद क्यों नहीं कर रही इनकी? अच्छा हाँ, और क्या, थोड़ा देखना चाहिए बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं। और आप मिल गया मुझे, ये देख रहे हो ये छेद? हाँ ये बॉस बुलेट यहाँ आकर के टकराई है। तारिका वो रॉड डालना जरा इस बर्न होल में से। ये देखो इसका मतलब गोली ऊपर से चलाई गई है बॉस। मतलब उन्हीं काफी ऊंचाई पे बैठा। ऊंचाई पे अरुण के साथ, आप बता सकते हैं कि गोली एग्जैक्टली कितने डिग्री एंगल से चली? सारों के कह रहे थे कि गोली जो है ऊपर से नीचे की तरफ चली है। हाँ सर, 45 डिग्री एंगल पे। और भी जरा देखो, जरा 45 डिग्री एंगल कहाँ बनता है? सर सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है सर। किस बात का? सर दो लोग एक ही आदमी को मारने की कोशिश करेंगे। अरे पंकज, सूरज एक ही गोली से मरा है, बाइकर्स की गोली से तो मरा नहीं है। एक बार ये एंगल पता चल जाए तो पता चल जाएगा खूनी कहां पे खड़ा था। सर सर 45 डिग्रीज उस तरफ, उस तरफ बता रहा है। वो सामने छोटी छोटी खिड़कियां दिख रही है ना, शायद खूनी वहां पे खड़ा था। चलो देखते हैं। खिड़की खुली हुई, यहाँ से कार भी एकदम साफ दिख रही है। मतलब खूनी यहीं। तो ये देखा, ये जूते का निशान, मतलब खूनी यहाँ खड़ा था। यहाँ खड़े होकर अगर गोली चलाई जाए तो कार में पीछे बैठे हुए आदमी को सीधी लगेगी। स्क्रैच मार्क भी है, गन यहीं पे रखा था, यहां से सूरज को गोली मार दे। सर आप अंकल, सर पहले ये छुप रहे थे फिर मुझे देख के भागने लगे, बहुत दूर से पकड़ के लाया। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कल सुबह एक आदमी आया बोला हॉल में जाना है साहब, उसने मुझे पैसे भी दिए, मैंने सोचा वो हॉल में जाएगा तो कुछ गलत नहीं होगा साहब, इसलिए मैंने उसको आने दिया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो साहब। तुमने एक खूनी को यहाँ आने दिया, यहाँ खड़े होकर उसने एक आदमी की जान ले ली और तुम कह रहे हो कुछ गलत नहीं है इसमें? साहब मुझे कुछ नहीं पता था साहब, जब बाहर शोर शराबा हुआ तो पता चला बहुत बड़ा हादसा हो गया है साहब, साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं किसी को नहीं आने दूंगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बस आने से कुछ नहीं होगा, उसकी तो जान चली गई। जो आदमी हॉल में आया था उसका चेहरा याद है तुम्हें? हाँ जी साहब, देखा। उसका चेहरा बनवाने में हमारी मदद करो। चल चल जल्दी कर, अगर पुलिस वाले आ गए ना तो बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा, जल्दी चल। अरे चल बाबा चल, चल जल्दी। पुलिस वाले आ गए, चल चल पकड़, चल चल भाग। Thank you.
तुम्हें क्या लगा आईडी से भाग पाओगे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर कुछ नहीं किया सर मैंने। हम जानते हैं किसने क्या किया है। सर सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा अगर सच कह रहे हो तो अपना घर छोड़ के क्यों भाग रहे थे? सर जब किसी इंसान की जान मुसीबत में होती है तो उसे जान बचाने के लिए भागना ही पड़ता है सर। तुम्हारी जान को किससे खतरा है? सर उन लोगों का कहना नहीं मानता तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालते सर। क्या कहा था उन्होंने तुम्हें? सर उन्होंने कहा था कि सुपारी लेकर उस हत्यारे के पास जाऊं और फिक्स दिन और फिक्स समय पर कार लेकर उस सड़क पर जाऊं। ओ, तो तुमने स्नाइपर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था? पर ये काम सर मैंने नहीं किया सर, नहीं किया मैंने सर वो काम। तो जो काम तुमने किया है वो किसके कहने पे किया था? ए, कौन हो तुम लोग? रुको यहीं। सीआईडी, रास्ते से हटो। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पंकज, पंच। ए, 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 क्या? ए, रुको यहीं। अब उधर मुंह छिपा कर क्यों बैठे? मुंह दिखाइए। सीआईडी आपकी बारात लेकर आई। मेरे को एक बात बता, तेरी गन बड़ी अच्छी है। अरे दिखाना यार। अरे दिखाना, मेरे बाबलू भी गन्स यूज़ करते हैं। ये देखिए कैसी गन है। हैं? अरे वाह यार, बाहर की लगती है। कहाँ से चलती है? छोड़ो। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। ये इससे पूछताछ कर रहे हैं। कंटिन्यू वंच, कंटिन्यू। हिम्मत कैसी हुई आपकी यहाँ तक पहुँच? हिम्मत की बात आप ना करें मैडम, आप तो सिर्फ सीआईडी की बात सुने। कोई आया आपसे मिलने? हमारे साथ ही। सर, सर, लाओ लाओ लाओ, आइए। इन्हें पहचानती हैं आप? ये है ड्राइवर प्रवीण और इसने हमें बताया है कि सूरज की खून की सुपारी आपने दी। मैं किसी को मारने की सुपारी क्यों दूंगी? इसका जवाब तो आप ही दे सकती हैं। ये मामूली सा ड्राइवर जो कह रहा है वो सच, और अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने किसी को मारने की सुपारी नहीं दी वो झूठ। जी हाँ, झूठ कह रही हैं आप। इस सूरज की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आपको होना था। खाड़ी के उस दलदल वाले इलाके में भराव करके उसका इस्तेमाल करना चाहती थी आप, जिसके सूरज सब खिलाफ था, और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया ताकि 200 करोड़ की जमीन तुम हड़प सको। वाह, पूरा होमवर्क किया आप लोगों। होमवर्क ही नहीं, आपको यहाँ से सही जगह ले जाने का वर्क भी करने आए हैं। शट अप, सामने से हटो और मेरा रास्ता खाली करो। मुझे जाना। अलग अलग लोगों को सुपारी क्यों दी सूरज को मारने की? दो दो कौन से मैम, मैंने तो सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल वाले को सुपारी दी थी। सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को? जी सर, सिर्फ एक को। मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ सर। जी नहीं, आपने छत पे खड़े उस स्नाइपर को भी पैसे दिए थे जिसकी बंदूक से निकली गोली से सूरज की मौत हुई है। नहीं सर, मैंने किसी स्नाइपर को पैसे नहीं दिए थे, मैंने तो सिर्फ ड्राइवर को पैसे दिए थे सर, उस मोटरसाइकिल वाले को ढूंढने के लिए। अच्छा, अब हमें बताओ प्रवीण, कहाँ मिले थे तुम उससे? मैंने आसपास के इलाके में पूछा तो पता चला कि एक गुंडा है सुंदर चौक पर, उससे सब कुछ पता चल सकता है। बस मैं उसके पास चला गया और मेरी बात बन गई। अब वो लाल रंग की टोपी पहनता है। सुंदर चौक, लाल टोपी। सर वो ड्राइवर कह रहा था कि वो आदमी लाल टोपी पहनता है, हमें लाल टोपी वाले को ढूंढना चाहिए।
सर सर वो लाल टोपी वाला शायद हमें उसी की तलाश है। हाँ। लोगों से हफ्ता ले रहे यही है यही है। अरे सुनो सुनो हा? ये हमारा हफ्ता ले लो। तेरा हिस्सा? हाँ आप सब लोगों से हफ्ता ले रहे हैं ना दुकान वालों से, तो हमने सोचा आपको पहले ही दे दें। इधर दुकान है क्या तेरी? कभी देखा नहीं तुझे, नया है क्या इधर? हाँ नया आया है और दुकान अभी खोलने वाले हैं, हड्डी पसली तोड़ने की दुकान। क्या बोला, क्या नाम है तेरी दुकान का? CID। अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इसे जानते हो? हाँ। कौन है ये? क्या नाम है इसका? साहब, साहब, ये तो बबलू है साहब। अभी भी यही था साहब वो। यही था? अभी कहाँ है? साहब, ये अपनी गलती सुधारने गया है। कैसी गलती? साहब, उसने एक गलत आदमी को टपका दिया। अब सुपारी लिए तो साहब उसको सही तो करना पड़ेगा, इसलिए अब वो सही आदमी को मारने गया साहब। साहब पैसा लिया तो उसका काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे का माल भी नहीं मिलेगा साहब। कहाँ गया है? किसको मारने गया है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता साहब। अगर पाब्लो को रोका नहीं गया तो एक खून और हो जाएगा। जहां पे उसने पहला खून किया है वहां पे एक सुराग है। उस दिन यहाँ पे क्रैश हुई थी गाड़ी, एक विटनेस था यहाँ पे, वो जो सामने नीरा की दुकान है ना, ये आदमी उस दिन यहाँ पे था। करण सर, उसको लेके आओ। सुनिए, इधर आ। नमस्ते साहब। उस दिन जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तुम यहीं पे थे, इसी दुकान में? हाँ साहब, यहीं थे दुकान में। उस दिन यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक से ध्यान से सोच के बताओ। कोई अजीब चीज, कोई अजीब घटना, कोई आदमी, कुछ भी? कुछ याद नहीं आ रहा सर। आपकी गाड़ी तो बिल्कुल एक्सीडेंट वाली गाड़ी की जैसी है। हाँ सर याद आया, अरे बहुत हैरानी की बात थी सर, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कारों का डबल रोल देख रहा हूँ, दोनों कार एकदम एक जैसी ब्लैक ब्लैक। लेकिन जब यही बात मैंने उस दूसरे कार वाले भाई साहब से कही तो वो एकदम घबरा गए, टेंशन में आ गए। टेंशन में आ गए मतलब? टेंशन में आ गए मतलब एकदम टेंशन में आ गए, घबरा गए, घबरा के भाग गए, जैसे लगा कि उनको कोई पीछा कर रहा हो। बहुत हालत खराब थी उनकी। अजीब हालत तो होगी, उसे मालूम था कि असली टारगेट वो है, सूरज तो गलतफहमी में मारा गया। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ और याद है या उस कार के बारे में? अब कार का नंबर? हाँ सर याद आया, हमको लगा कि जैसे कार दोनों एक जैसी है, सेम सेम ब्लैक ब्लैक, तो हमको लगा कि कार का नंबर भी एकदम सेम सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था सर, दोनों कार का नंबर अलग था। अरे नंबर याद है तुमको? क्या था नंबर? नंबर एक मिनट, हाँ कोशिश करते याद करने का। हाँ सर याद आया, MS02KA4058। 4058। चलो शिकार मिल गया है, अब शिकारी भी मिल जाएगा। यस यस यस, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, इस वक्त मैं एयरपोर्ट की तरफ हूँ। देखो जैसे सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लीसा जल्दी भाग लीजिए, आपकी जान को खतरा है, चलिए हमारे घर में बैठे।
एक मिनट। बड़े इन्हें निकाल मेरे जाओ जल्दी। स्नाइपर के जरिए अपना ही मर्डर क्यों करवाना चाहते थे तुम? मैं अपना नहीं मर्डर करवाना चाहता था सर। अच्छा, तो फिर इस स्नाइपर ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? सर, मैंने अपने ड्राइवर परवीन को मारने के लिए इसे हायर किया था सर। ये स्टूपिड कुछ और समझ बैठा। सर, परवीन मेरे हर राज जानता था, वो मेरी हर बात सुनता था सर। सर, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो अपना राज छुपाने के लिए तुमने उसकी सुपारी दी थी? राज छुपाने के लिए नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए। सर, 2 करोड़ रुपये मैं अभी तक उसको दे चुका हूँ, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई सर। तब मैंने सोचा कि अब उसका काम खत्म कर दूंगा। ये भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा? पकड़े जाना मेरे प्लान में था ही नहीं। मैं तो समझता था कि ये एक्सीडेंट जैसा लगे, तो किसी को मुझ पर शक न हो, मुझ पर कोई इल्जाम ना आए। जैसे हम लोग सोचते हैं हमेशा वैसे होता नहीं। इस स्नाइपर की गलती की वजह से तुम खुद अपने जाल में फंस गए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के एम प्रैक्टिस करते रहना। नहीं सर, नहीं सर, सर प्लीज नहीं, नहीं सर प्लीज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।